हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्यून फिल्म जर्नी पर। माय लविंग ट्यून सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूं। आज का विषय है ट्यून फिल्म जर्नी में कुंडलिनी शक्ति का क्या रहस्य है। प्रियो, कुंडलिनी पर बहुत से क्वेश्चन मेरे पास आते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा विशेष मंत्र बता दो जिससे कोई विशेष चक्र जागृत हो जाए। तो सबसे पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि कुंडलिनी आखिर है क्या, इसलिए आज का ये वीडियो मैं बना रही हूँ। कुंडलिनी एक रहस्यमयी शक्ति है। वो व्यक्ति के शरीर में सूक्ष्म रूप से होती है। कुंडलिनी आपके रीढ़ के आधार पर होती है। ये सर्प की तरह 3.5 फेरे लिए हुए शरीर के सबसे निचले चक्र मूलाधार चक्र में स्थित होती है। प्रारंभ में ये सुप्त अवस्था में होती है। कुंडलिनी जागृत होने पर आप सांसारिक माया मोह से दूर होते जाते हैं और आपका जीवन अध्यात्म की ओर मुड़ता जाता है, यानी कि 3D से 5D की ओर। हालांकि नॉर्मल जर्नी में भी जो लोग होते हैं उनका भी जीवन अध्यात्म की ओर मुड़ता है, उनके अंदर भी कुंडलिनी शक्ति होती है, लेकिन वो नहीं जान पाते कि अध्यात्म में उनका जाना कुंडलिनी की वजह से हो रहा है, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी के लोग इस बात को जानते हैं। कुंडलिनी से शारीरिक व मानसिक ऊर्जा बढ़ती है और आप अपने में कुछ बदलाव महसूस करते हैं। इससे शरीर में शक्ति व सिद्धि का अनुभव होता है। कुंडलिनी शक्ति ब्रह्मांड की सभी भौतिक व आध्यात्मिक शक्तियों से ज़्यादा शक्तिशाली है। कुंडलिनी की जागृति प्राकृतिक रूप से होती है, पर ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आपके ट्विन आपके सामने आते हैं तो आपकी कुंडलिनी अपने आप जागृत होनी शुरू हो जाती है। अतः कुंडलिनी ऊपर उठने लगती है। आप में से बहुतों को सांप दिखाई देते होंगे। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था कि आखिर सांप क्यों दिखाई देते हैं। वो इसी वजह से है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति ही एक सर्पाकार रूप में आपके भीतर सुप्त अवस्था में रहती है और जब वो उठने लगती है तो सांप दिखाई देते हैं। ये कहा जाता है कि आपके ट्विन के आने से आपका जीवन बदल गया, आपका जीवन अध्यात्म की ओर मुड़ गया, वो भी पॉजिटिव वे में। इसलिए क्योंकि आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर उठने लगती है। मैं अगर अपने विषय में बताऊं तो मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा सांप दिखाई देते थे, सपने में, घर के आसपास, सड़क में, यहाँ तक कि हमारे घर के पीछे एक बहुत बड़ा सांप रहता था और वो कभी कभार हमारे घर में भी आ जाया करता था, पर मेरे फादर कहते थे कि उसे बिना हानि पहुंचाए निकाल दो और वो निकल जाया करता था, पर उसने कभी भी हमें क्षति नहीं पहुंचाई। तो जब मैं अपने ट्विन से मिली तो मुझे और भी ज़्यादा सांप दिखने शुरू हुए। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि इसका क्या कारण है, पर बाद में पता चला कि इसका कारण कुंडलिनी है। कुंडलिनी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य डार्क नाइट ऑफ द सोल में होता है। जब आपको अकेले अपनी आत्मा के साथ छोड़ा जाता है उस वक्त आपको आपके पर्सन से सेपरेट कर दिया जाता है, ताकि आपकी उसी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर ले जाया जाए, ताकि आप अपने उद्देश्य से जुड़ सके, उस सत्य को जान सके कि आप आखिर हैं कौन। उस वक्त आपका जीवन अध्यात्म की ओर रुख करता है और आप अद्भुत और अलौकिक बातों का अनुभव करते हैं। यदि उस पड़ाव को पार कर लिया तो आपका डिवाइन से सोल मर्जिंग हो जाता है। कुंडलिनी शक्ति जितनी शक्तिशाली है उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि इसे जागृत करने के लिए एक विधि है जिसे गुरु परंपरा कहते हैं। इसके द्वारा इसे सीखा जाता है। यह गुरु परंपरा में प्राप्त एक ज्ञान है। कुंडलिनी शक्ति यदि प्राकृतिक रूप से जागृत हो तो ही ये सही रहता है, इसलिए इसे कुंडलिनी योग के अंतर्गत गुरु या विशेषज्ञ के देखरेख व निगरानी के अंतर्गत सीखा जाता है। पर यदि इसे गैर कुदरती तौर पर किया जाए तो यह बहुत ही घातक होता है। कुछ लोग कहते हैं कि YouTube देखकर वो कुंडलिनी एक्टिवेट कर रहे हैं, पर यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कुंडलिनी जागरण का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। आपको मालूम होगा कि प्राचीन समय में
ऋषि मुनि या संत योगी वर्षों वर्षों तक तपस्या करते थे एकांत में जाकर, पहाड़ों पर, जंगलों में। वो इसलिए क्योंकि वो इसी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते थे, और जब ये शक्ति जागृत हो जाती थी और उन्हें कोई सिद्धि प्राप्त हो जाती थी तो उसके द्वारा वो जन कल्याण में लग जाते थे। जैसा कि मेरे पास एक कमेंट्स आया था जिसमें लिखा था कि आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए कोई मंत्र बताइए, तो यहाँ पर मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आज्ञा चक्र तक एनर्जी को पहुँचाने के लिए ज़रूरी है कि आपके नीचे के लोअर चक्र पूरी रीति से हील हो, पूरी रीति से क्लियर हो और उनमें किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज ना हो। मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि कुछ समय पहले मेरे पास ऐसे लोग आए थे जो बहुत से शारीरिक और मानसिक बीमारियों से ग्रस्त थे, उनमें से बहुतों के इलाज चल रहे थे, उनकी बीमारियां डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहे थे, उनके सारे टेस्ट जो कि नील आ रहे थे, लेकिन उनमें बीमारी क्या है इसका पता नहीं चल रहा था। और वो हद से ज़्यादा भ्रमित थे क्योंकि वो किसी भी बात का निर्णय नहीं ले पा रहे थे और इस बात पर भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। क्योंकि इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि उनके नीचे के लोअर चक्र पूरी रीति से ब्लॉक थे और उनका आज्ञा चक्र ओपन हो गया था, एक्टिवेट हो गया था। कुछ लोगों को दूसरी दुनिया की चीज़ें दिखाई दे रही थी, कुछ लोगों को भूत प्रेत दिखाई दे रहे थे और कुछ लोगों को मृत व्यक्ति दिखाई दे रहे थे। अब आप ही बताइए कि अगर ऐसी चीज़ें हो तो आपका वर्तमान पूरी रीति से नष्ट हो जाएगा। किसी भी चीज़ का एक क्रम होता है, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी और दूसरी से तीसरी। एक सीढ़ी से आप डायरेक्ट दसवीं सीढ़ी में छलांग नहीं मार सकते, उसी प्रकार कुंडलिनी भी है, इसमें भी एक क्रम चलता है, लोअर चक्र से हायर चक्र तक। एक एक इंच करके कुंडलिनी बढ़ती है और इसका कारण बनता है एक इंसान के जीवन में जो दुख, दर्द, तकलीफ, संघर्ष, जो उसको हर्ट किया जाता है, उसको ट्रिगर किया जाता है, ये सारी चीज़ें उसकी कुंडलिनी राइस में बहुत बड़ा कारण बनता है। हालांकि नॉर्मल जर्नी में जिस प्रकार यदि किसी इंसान के साथ कोई दुर्घटना घट गई, कोई बहुत बड़ा सदमा लग गया, सोल शॉक दिए जा रहे हैं, इसकी वजह से वो अध्यात्म में प्रवेश कर जाते हैं, उसका कारण भी कुंडलिनी ही होती है, लेकिन वो इस बात को नहीं जानते। लेकिन इसके विपरीत ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया जाता है, हर्ट किया जाता है, चाहे वो कार्मिक हो या ट्विन के द्वारा, तो आप यही कहते हैं कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा पेनफुली हो गई है। वो इसीलिए क्योंकि कुंडलिनी जागरण के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें ये सारे लोग एक अहम किरदार निभाते हैं आपकी अवेकनिंग के लिए। क्योंकि जब तक कुंडलिनी राइस नहीं होगी तब तक आप उस उद्देश्य तक पहुंच नहीं सकते, सत्य को पहचान नहीं सकते। कुंडलिनी जागरण एकदम से कम समय में नहीं होता, इसको समय लगता है, ये बहुत ही धीरे धीरे चलता है। क्योंकि आपने देखा होगा किसी भी महान व्यक्ति के जीवन में, जिनके जीवन में बहुत सी परीक्षाएं थी, बहुत संघर्ष थे, दुख तकलीफ थे, वो उस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां पर आज वो लोगों के लिए प्रेरणा बने हैं। इसके पीछे उन्होंने बहुत लंबा समय गुजारा होगा और वही है उनका अनुभव। और जब उन्होंने वहां पर तपस्या की होगी, साधना की होगी, तब उनकी कुंडलिनी राइस हुई होगी और उसके द्वारा जो उन्होंने अनुभव जाना उसे वो आज लोगों में बांट रहे हैं। तो ये एक कुदरती तौर पर होता है, इसीलिए एक इंसान के पूर्ण रूप से जागृत होने में बहुत वक्त लगता है। पूर्व काल में भी साधु संत योगी महात्मा जो तपस्या करते थे उनकी तपस्या बहुत बहुत वर्षों की होती थी। कुंडलिनी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि कुंडलिनी को जागृत करने का प्रयास स्वयं से ना करें। यदि आप
किसी प्रकार से किसी जन कल्याण या हित में कार्य करना चाहते हैं आगे चलकर और अपनी कुंडलिनी राइज करना चाहते हैं, तो किसी अच्छे विशेषज्ञ या गुरु की सलाह और परामर्श और निगरानी में ही आप इसे सीखें। मैं एक बार फिर से इसी पर कहना चाहती हूँ कि खुद से या फिर गैर कुदरती तरीके से कुंडलिनी राइज करना आपके लिए बहुत ही जोखिम भरा हो सकता है, इसीलिए इसे सोच समझकर कीजिए और विशेषज्ञ की राय में कीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में रहने वाले लोगों की ही कुंडलिनी राइज होती है, एक नॉर्मल जर्नी में रहने वाले इंसान की भी कुंडलिनी राइज होती है, एक दाम्पत्य जीवन जीने वाले इंसान के जीवन में भी कुंडलिनी राइज होती है, लेकिन इसका सीमित तरीका है कि सदाचार का पालन करें, सात्विक आहार विहार हो, जल्दी उठना, जल्दी सोना, नियमित रूप से प्राणायाम, ध्यान व साधना का अभ्यास करना, शुद्ध आचरण, झूठ न बोलना, प्रेम व विनम्रता से लोगों से मेल मिलाप करना, अपने उत्तरदायित्व व कर्म का पालन करना, सुबह शाम ईश्वर की वंदना करना, उनको धन्यवाद देना। बस यही है एक ऐसा जीवन जो आपकी कुंडलिनी राइज कर देगा, और वो भी प्राकृतिक रूप से। तो जिस प्रकार मैंने ये बताया है कि कुंडलिनी राइज होना यदि प्राकृतिक रूप से हो तो ही ये सही ठहरता है, लेकिन यदि इसे गैर प्राकृतिक रूप से यदि जागृत करने की कोशिश की जाए तो ये बहुत ही जोखिम भरा होता है, इसीलिए आप किसी अच्छे विशेषज्ञ की राय में ही इसे सीखें। तो प्रियो, आज हमने इस विषय पर बात की कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कुंडलिनी का क्या रहस्य है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।